देखिए नरबक्सी है, एक नंबर का अशोक गहलोत, इसलिए बलराम जाखड़ को चलता है, नटवर सिंह को चलता है। अरे अशोक गहलोत, सोनिया गांधी के साथ विश्वासघात किया तूने, लाल डायरी से इसकी पट्टी बुझा दूंगा। अशोक गहलोत जिंदाबाद, मैं कहता हूँ अशोक गहलोत मुर्दाबाद। अशोक गहलोत से बड़ा निकम्मा इस राजस्थान की धरती पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। राजेंद्र गुड्डा के पास सबूत है, सबूत। राजेंद्र गुड्डा के पास प्रूफ है, लाल डायरी से इसकी पट्टी बुझा दूंगा। अशोक गहलोत जेल में जाएगा, मैं कह रहा हूं मेरे पास सबूत है। अरे अशोक गहलोत तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? लोगों के झूठे मुकदमे लगा के ये दुरुपयोग नहीं तो राजस्थान पुलिस का और एक क्या है, क्या करना चाह रहा है? ओ ऊंट, बोलो कौन पार्टी से ऊंट चिमक जाए वो? अरे ऊंट डीजे बना चढ़ो है, कौन पार्टी से चिमके दो, कौन पार्टी से चिमके दो, अरे सारी मीडिया थी कैमरे के सामने, इसने निकम्मों को भेजा, कॉलेज का उद्घाटन करेगा, खैरात में दिया क्या कॉलेज? इसे लूले लंगड़े को हमने 5 साल चलाया, सरकार में मर्ज हुए इस शर्त के साथ हुए थे कि मेरे क्षेत्र में काम करने पड़ेगी, कॉलेज बनानी पड़ेगी, पांव पर पांव रख के कॉलेज बनाई थी, पांव पर पांव रख के कुंभाराम लिफ्ट का पानी सैंक्शन करवाया था, 100 साल के पानी का क्यों रोक रखा इस आदमी ने? राजेंद्र गुड्डा से दुश्मनी, आज इस काम का शिलान्यास हो जाएगा तो राजेंद्र गुड्डा को फायदा हो जाएगा। अरे क्या बात करता है तू, किस तरह की बातें करते हो? ये नटवर लाल एक नंबर का अशोक गहलोत, मैं कहना चाहता हूं आरपीएससी के द्वारा हमारे हजारों लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया, इसने मुख्यमंत्री के ऐसे सारे के सारे इंटरव्यू का, आरएस के इंटरव्यू हो चाहे आरपीएस के हो चाहे प्रोफेसर के हो चाहे इंजीनियर के हो चाहे डॉक्टर के हो, मुख्यमंत्री के घर से आरपीएससी का चेयरमैन किसने बना रखा, किसको? संजय सोत्री तो इसके घर में रहता था, उसको आरपीएससी में बैठा दिया चेयरमैन बना के, उसके बाद लिस्ट भेजता है वहां से अपने घर से कि इनको पास कर देना बाकी वाले फेल, गरीब का बच्चा मेहनत करके भी फेल हो जाता है, टैलेंट होकर भी फेल हो जाता, होशियार होकर भी अफसर नहीं बन पाता, और मंत्री और एमएलए और अफसरों के बेटे घर पेपर आ जाते हैं, पेपर बिक जाते हैं, इंटरव्यू में सिफारिश हो जाती है और अफसर बन जाते हैं, नाथी को बड़ा बना के रखा है इन्होंने आरपीएससी को, नाथी को बड़ा बना रखा है इसने आरपीएससी को, मंत्रियों के बेटे सारे बस, गरीब के बेटे सारे फल, अशोक गहलोत ने जो लिस्ट भेज दी वो सारे इंटरव्यू में पास, जिसकी सिफारिश नहीं हो बेचारे फल। मैं जानता हूं ऐसी बातें करते हैं, 4 ब्राह्मणों के बच्चों को नाजायज 302 मर्डर के मुकदमे में फंस दिया, शर्म नहीं आती? छोटे समाज जिंदा नहीं लेंगे क्या? नाई है, दर्जी है, कुम्हार है, सुनार है, ब्राह्मण है, मीना है, मुसलमान है, ब्राह्मण है, एससी है, एसटी है, अरे छोटे छोटे समाज बड़े समाज खा जाओगे क्या? खा जाओगे क्या छोटे समाजों को?
शाकंभरी का गेट थाने को तुड़वा के रोड बनाए थे, थाने को तुड़वा के ये देखा था कि मुझे तरस आ गया था कि यार चारों तरफ विकास हो रहा, उदय प्रवादी में भी होना चाहिए। अशोक गहलोत ने बनाई है, अपने बेटे का एमपी बना लेता। अशोक गहलोत ने कॉलेज बनाई है, बना लेता उस पप्पू को एमपी। अशोक गहलोत जिंदाबाद, मैं कहता हूं अशोक गहलोत मुर्दाबाद। अशोक गहलोत से बड़ा निकम्मा इस राजस्थान की धरती पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आज भी कांग्रेस का एमएलए हूँ, निकाल बाहर, क्यों नहीं निकाल रहा? कांग्रेस पार्टी में हूँ, निकाल क्यों नहीं रहा? पार्टी की जनता के साथ अशोक गहलोत अन्याय कर रहे हैं। जो कुमाराम लिफ्ट का टेंडर होने के बाद एलएनटी कंपनी को काम नहीं करने दे रहा, ये काम आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले काम चल जाना चाहिए था। पहले टेंडर को रोका, टेंडर खुल गया तो उस कंपनी को रोक रहा है, काम नहीं करने दे रहा। आचार संहिता लग जाए 3 दिन में, 2 महीने लेट हो जाएगा। जेठ के महीने में, मई जून के महीने में हमारे लोगों को पानी नहीं मिलेगा। नीम का थाना आता तो पूछ लेता। देखिए नरबक्सी है, एक नंबर का अशोक गहलोत, इसलिए बलराम जाखड़ को चलता है, नेटवर्किंग को चलता है, इसलिए ओड़ाओं को चलता है, इसलिए इसने खेत सिंह राठौड़ को चलता दिया, गुलाब सिंह सत्तावत को चलता दिया, हरदेव जोशी नवल किशोर शर्मा को चलता दिया, चंदन मल बैद को चलता दिया। अरे भी मन में भय की नहीं, मैं तो मैं तो इसके आखिरी की मैं ठुकूंगा इसकी आखिरी की।